अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा दुर्ग भिलाई के 19 से ज्यादा कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्यशाला के साथ ही सरकार की योजना का जानकारी देने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन को लेकर प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने पत्रकार वार्ता ली। पूरे देश में लगातार प्रोफेशनल से जुड़े विषयों पर काम कर रही अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस विशेष रूप से व्यापारिक शिक्षा और इसकी संभावनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस दुर्ग भिलाई के 19 से ज्यादा कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां बच्चों को नौकरी करने नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए सरकार की योजना की जानकारी दी जाएगी, जो कि 10 अक्टूबर को शाम कला मंदिर सिविक सेंटर में आयोजित है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग मंत्री कवासी लखमा, गृह मंत्री तामध्वज साहू विशेष रूप से मौजूद भी रहेंगे। इस संबंध में पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने बताया कि एमएसएमई और राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारियां इस कार्यक्रम में दी जाएगी। वहीं उद्योग विभाग से जुड़े एक्सपर्ट्स, बड़े व्यापारी और अन्य भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वह क्षितिज चंद्राकर ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स को यदि समय रहते इसकी जानकारियां मिल जाए तो वे व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं, इसमें काफी अधिक संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने, व्यापार में नए आयामों का सृजन करने जैसे अन्य कार्य करने की बातें उन्होंने कही। संगठन सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ा है, इसे ध्यान रखते हुए इस तरह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लेने की बातें उन्होंने कही। इस अवसर पर कार्यशाला में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं मीडिया के समक्ष क्षितिज चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से जो जो न्यूज़ देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार है, जोहार। 10 तारीख को हम लोगों ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने कला मंदिर भिलाई में एंगेज छत्तीसगढ़ के नाम से प्रोग्राम रखा हुआ है। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से इसको हम आगे बताए हैं। इसमें अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि जो MBA इंजीनियरिंग और विभिन्न कॉलेजेस के और हायर एजुकेशन के कॉलेजेस में जो बच्चे हैं जो अपना खुद का स्वयं बिजनेस स्टार्टअप MSME में छोटा मोटा काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक शिविर के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं जिनसे उनको लाभ मिल सकता है, जिसका एडवांटेज वो ले सकते हैं, उसके बारे में उनको अवगत कराना है। क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री का क्राइटेरिया है, ना कोई एज का क्राइटेरिया है, कोई भी आ सकता है। जो अपना बिजनेस चालू करना चाहता है, जो एक स्टार्टअप कल्चर से जो स्टार्टअप चालू करके स्टार्टअप कल्चर से जुड़ना चाह रहा है, उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।